नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्रू फैक्ट की चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन बेंजोइक एसिड, एसिड बेंजोइकम के सिम्टम्स। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेंजोइक एसिड, एसिड बेंजोइकम। बेंजोइकम एसिड औषधि के प्रयोग करने से इस औषधि का सबसे अधिक प्रभाव रोगी के पेशाब में दिखाई देता है। बेंजोइकम एसिड औषधि के प्रयोग करने से इस औषधि का सबसे अधिक प्रभाव रोगी के पेशाब में दिखाई देता है। बेंजोइकम एसिड औषधि चयापचय क्रिया को भी गहरा प्रभाव डालता है। यह औषधि वात, गठिया, सूजन, पतले दर्द, सिर दर्द, आतस, सुजाक आदि रोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। इस औषधि के सेवन से पेशाब का रंग बदल जाता है और रोगों के अनुसार पेशाब का रंग बदलता रहता है। रोगों को ठीक करने के लिए यह औषधि जितनी तीव्र और गहरी प्रतिक्रिया करती है, रोगी के पेशाब का रंग उतना ही गहरा व बदबूदार होता जाता है। यह औषधि पेशाब में छार को लाता है और फिर उसे समाप्त करता है। बेंजोइकम एसिड औषधि के प्रयोग से गठिया तथा गुर्दे रोग भी ठीक होते हैं। जिन बच्चों को गोद में रहकर ही दूध पीने की आदत है, और बिस्तर पर लेटना नहीं चाहता हो, तो ऐसे लक्षण वाले बच्चे को बेंजोइकम एसिड औषधि सेवन करने से इस तरह की आदतें छूट जाती है। यह औषधि के सेवन से बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चे भी बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाती है। बेंजोइकम एसिड औषधि का प्रयोग गठिया और दमा रोग में करने से रोग ठीक होता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले दर्द जो अचानक अपना स्थान बदल देता है, ऐसे लक्षणों वाले दर्द में इस औषधि का प्रयोग करने से दर्द समाप्त होता है। विभिन्न प्रकार के रोगों में बेंजोइकम एसिड औषधि का प्रयोग, जैसे मन से संबंधित लक्षण, व्यक्ति में किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों के परिणाम स्वरूप रोगी की मानसिकता खराब हो जाती है, जिससे रोगी हमेशा अपनी पिछली बातों को याद करता रहता है। और चिंतित होता रहता है। कुछ भी लिखते समय बीच में कुछ लिखना भूल जाता है, पागलपन उत्पन्न होता है। ऐसे मानसिक लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बेंजोइकम एसिड औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। सिर से संबंधित लक्षण, यदि रोगी का सिर चकराने के साथ ऐसा महसूस होता है कि वह दाईं या बाईं ओर गिर जाएगा तथा रोगी की कनपट्टियों की धमनियों में जलन और कानों के आसपास सूजन उत्पन्न होता होना आदि सिर रोग के लक्षणों में बेंजोइकम एसिड औषधि का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर के अन्य लक्षण, जैसे भोजन करते समय भोजन निगलने की आवाज़ कानों में सुनाई देना जीभ पर घाव बन जाना और कान के पीछे सूजन आ जाना, माथे पर ठंडा पसीना आना, मुंह में कांटे गड़ने जैसा अनुभव होना, मसूरों की रंगत नीला पड़ जाना और उससे खून निकलना, वसारबुद उत्पन्न होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को ठीक करने के लिए बेंजोइकम एसिड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे सिर रोग के सभी लक्षण समाप्त होकर रोग ठीक होता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक में खुजली होना तथा नाक की हड्डियों में दर्द होना आदि में बेंजोइकम एसिड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे नाक की खुजली और दर्द दूर होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, चेहरे पर तांबे के रंग जैसा दाग बनना तथा चेहरे पर लाल रंग के छोटे छोटे छाले निकलना गालों पर लाल रंग का दाग आदि बनना इस तरह के चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों में बेंजोइकम एसिड औषधि का सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, भोजन करते समय अधिक पसीना आना तथा पेट में भारीपन महसूस होना मानो पेट पर कोई चीज़ रखी हो, ऐसे में रोगी को बेंजोइकम एसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। पेट से संबंधित लक्षण, नाभि के आसपास काटता हुआ दर्द होना तथा यकृत के पास चुभन वाला दर्द होना आदि पेट के रोगों में बेंजोइकम एसिड का औषधि का सेवन करें। मलाशय में चुभन और सिकुड़न महसूस होना, मलाशय में ऐसा महसूस होना जैसे मलाशय की परतें लटक रही हों, मलद्वार के चारों ओर खुजली होना, खुजलाने पर पनीला द्रव निकलना आदि में बेंजोइकम एसिड औषधि का सेवन करें। मन से संबंधित लक्षण, पतला, झागदार, बदबूदार व हल्के रंग का दस्त आना, मल के साथ हवा निकलना आदि में बेंजोइक एसिड औषधि का प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। मूत्र से संबंधित लक्षण,
बेंजोइक एमिड औषधि का प्रयोग मूत्र रोग में पेशाब में तेज बदबू आने, पेशाब का रंग बदलने, पेशाब में सफ़ेद रंग का पदार्थ आने तथा पेशाब का बार बार आने जैसे रोगों में की जाती है। इससे पेशाब की बदबू या अन्य रोग दूर होकर पेशाब को साफ करता है। पेशाब के अन्य रोग जैसे पेशाब बूंद बूंद करके आने पर भी सेवन करना काफ़ी लाभकारी होता है। बुढ़ापे में पेशाब में से बदबू आने पर भी बेंजोइक एमिड औषधि का सेवन करना चाहिए। पेशाब में धातु का आना, पेशाब में धातु का आना, सुजाक दब जाने के बाद मूत्राशय में विकार होना तथा मूत्राशय की सूजन में बेंजोइक एसिड औषधि का सेवन कर लाभकारी होता है। यह औषधि सभी रोगों को ठीक करने में काफ़ी लाभकारी होता है। सांस संस्थान संबंधित लक्षण, सांस संबंधित परेशानी होने पर सुबह के समय आवाज़ खराब हो जाता है तथा रोगी को से दम रोगी में दमायुक्त खांसी उत्पन्न होती है। जो खांसी रात में या बाएं करवट सोने से बढ़ती है, रात में बढ़ती है। हृदय के आसपास दर्द रहता है, खांसी के साथ हरे रंग का बलगम निकलता है। कृपया ध्यान दें, खांसी के साथ हरे रंग का बलगम निकलता है। इस तरह की सांस संबंधी परेशानी में बेंजोइक एसिड औषधि का प्रयोग करें, इससे सांस के रोग दूर होते हैं। पीठ से संबंधित लक्षण, जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का दबाव महसूस होता है, त्रिकास्थि में ठंडक महसूस होती है, जिगर में हल्का दर्द होता है और दर्द शराब पीने से बढ़ जाता है, तो रोगी को बेंजोइक एसिड औषधि का सेवन कराना चाहिए। इससे रोग में आराम मिलता है। बाड़ी अंगों संबंधित लक्षण, चलते समय जोड़ों में कड़कड़ाहट होती है, चीर फार की तरह दर्द होता है और सुई चुभने जैसा दर्द होता है, टखने की मोटी कंडरा में दर्द होता है, आमवाती गठिया, गांठें अत्यंत दर्दनाक, छोटे छोटे जोड़ों पर भी गांठ बनना, कंडराओं में रसौलियों, कलाई पर सूजन, घुटनों का दर्द और सूजन, पैर के अंगूठे का कठोर सूजन, पाँव के अंगूठे में चीर फार के जाने जैसा दर्द होना आदि रोग में बेंजोइक एसिड औषधि का प्रयोग कर रोग समाप्त किया जाता है। बुखार, जोर से संबंधित लक्षण, हाथ पैर घुटने व पीठ में तेज ठंड लगना, सर्दी लगना, ठंडा पसीना आना, जागने पर अंदर ही अंदर गर्म महसूस होना, ऐसे में बेंजोइक एसिड औषधि का सेवन करना लाभकारी होता है। त्वचा से संबंधित लक्षण, त्वचा पर लाल धब्बे होना तथा त्वचा से उत्पन्न धब्बे में खुजली होना आदि रोगों में बेंजोइक एसिड औषधि का प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। वेदि, खुली हवा में घूमने से तथा नंगे वजह रहने से रोगों में वृद्धि होती है। तुलना, बेंजोइक एसिड औषधि की तुलना नाइट्रिक एसिड, अमोनिया यानी सलाइना, ट्रिपल आदि से की जाती है। गठिया रोग में कैप्सिकम के सेवन से लाभ न मिलने पर कोपेवा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हानिकारक, बेंजोइक एसिड औषधि के प्रयोग के साथ कोपेवा औषधि का प्रयोग करना हानिकारक होता है। मात्रा, बेंजोइक एसिड औषधि की 3 से 6 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।